दोस्तों इतनी सुबह है और इतने दोपहर के वक्त हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जैसा कि इतनी ज़्यादा ठंडी होने के बावजूद सभी लोग चाहे वहां पर कोई धूप लेने के लिए छत पे आया हो, चाहे बाहर कहीं टहलने निकला हो, लेकिन चाहे जानवर वो भी देखिए, चाहे दीवार पर देखिए, हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। देखिए दीवार पर कैसे आप लोगों को अजगर, देखिए अपना सर घुमाए हुए, देखिए कैसे सेक रहा है अपने शरीर को, देखिए इतना ज़बरदस्त दिख रहा होगा आप लोगों को, कैसे अपने शरीर को एकदम ज़बरदस्त, देखिए किस प्रकार से नीचे जाना भी नहीं उचित है, देखिए इतना ज़बरदस्त है, पूरा एकदम चोटिल है, लगता है उसका चेहरा भी कुछ खाया पिया घर से लगता है, चाहे चूहा हो इसके बिल में, देखिए इतना, देखिए मधुमक्खी का छत्ता भी यहीं लगाया है, और देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ नीचे जाना उचित नहीं है भाई, पकड़ उकड़ लेगा तो छुड़ाने में भी हाँफा छूट जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ कोई हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं, न सांस ले रहा है जैसे, न कोई हिल डुल रहा है, उसका चेहरे पर जो चोट लगी है जैसे खून लगा हो, चाहे चूहा खाया हो, शरीर पूरा मोटा है, चाहे छोटे छोटे जानवर हो, चाहे आम जीव जंतु, चाहे मनुष्य, देखिए सभी लोग धूप ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए कोहरा, पूरा कोहरा है, खेत में गेहूं की फसल है, वहाँ पर देखिए बैट बॉल खेलने के लिए मैदान है छोटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन ये देखिए दीवार के सहारे एकदम चपक के बैठा है, देखिए जा रहा है, देखिए जीभ देखिए कैसे निकाल रहा है, इसके अंदर हलचल पूरी एकदम तेज हो गई है, देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है, देखिए दीवार के सहारे एकदम खुरदुरी दीवार इतनी ज़्यादा है कि इतने भारी भरकम चित्तायन अजगर सब कुछ चढ़ जा रहे हैं। यही तो हमारे ही तरफ आ रहा भाई, यहाँ से ये कुछ दूरी मीटर है, एक या दो मीटर है, देखिए देखिए जो नेनुआ फरा है, यही देखिए नेनुआ, देखिए यहाँ से यहाँ उसी के पास में है, एकदम कुछ मीटर की दूरी, देखिए ऊपर ऊपर चढ़ते आ रहा है, उसका बैलेंस देखिए इतना ज़बरदस्त है कि वो अपना बैलेंस बनाया हुआ है, देखिए वहाँ वहाँ देखिए सब लोग छत पे वहां पे है, और देखिए ये ऊपर चढ़ते आ रहा है, चढ़ जाएगा क्या, एकदम आ रहा है ऊपर, देखिए देखिए चेहरा देखिए जबरदस्त है, काफी डरावना मंजर है, देखिए यहीं से यहीं पूरा खंजाड़ में इतने में हर जगह इसमें न जाने कितने अजगर, सांप, फटार, नाग, न जाने कितनी संख्या में होंगे। इसी प्रकार से कुछ ठंडी का माहौल है, जनवरी आते ही
ठंडी बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ने लगी है। तो कुछ इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धूप ऊप की सेकाई चल रही है, चाहे अलाव जला कर चाहे धूप निकलने के बाद। देखिए इतनी ज़्यादा खंजाड़ है, सरसों की फसल है, और क्या है यहाँ, देखिए रहर है, रहर की फसल में देखिए यहाँ पर एक नहीं कई कई चित्ताएँ।